हाय फ्रेंड, मैं डॉक्टर रजत श्रीवास्तव, आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे, आपको अगर ठंड लग गई है और ठंड लगने की वजह से कॉमन कोल्ड, कुराइजा, फीवर, बुखार, घबराहट, शरीर में पसीना होना, या आपके बच्चों को भी अगर ठंड लग चुकी है और ठंड लगने की वजह से नाक से पानी गिरना, सर्दी होना, कफ थोड़ा थोड़ा फेफड़े में बनने लगना, सूखी खांसी होना, अगर ऐसी कंडीशंस बनती हैं तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ कॉम्बिनेशन मैं बताऊंगा आपको, होम्योपैथिक मेडिसिन अपने यहाँ पे बहुत ज़्यादा दवा लेकर नहीं रखना है, थोड़ा थोड़ा आप दवा होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से लेकर रख लीजिए, और जब भी आपको ऐसे दिक्कत होता है या आपके बच्चों को ऐसा दिक्कत होता है तो आप उसको दे सकते हैं। फ्रेंड्स, जनरली आपको समझना होगा कि अगर आपको सर्दी लग गई है और लगने के बाद सांस फूलने जैसा भी कंडीशन बन रहा है, या कफ बन गई है, कफ नहीं निकाल पा रहे हैं, या अक्सर बच्चों में ये दिक्कत होती है कि बच्चे कफ नहीं निकाल पाते हैं, घड़घड़ आवाज़ आती है, रात को सो नहीं पाते हैं, धीरे धीरे उनको बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है, और ऐसे कंडीशंस भी अगर होता है तो भी आपको होम्योपैथिक मेडिसिन मैं बताऊँगा, जो दो तीन दवाओं को मिलाकर एक कम्बिनेशन है, और आप अगर ये कम्बिनेशन यूज़ करते हैं तो धीरे धीरे आपको राहत मिलना शुरू हो जाता है। तो हम पहले बात करें कि अगर आपको ठंड के मौसम में सर्दी लग जाती है, ठंडी हवा लगने के वजह से या जिस कारण से भी, और उसके वजह से सर्दी जुकाम होना शुरू हो जाए, अक्सर आज के डेट में ओमिक्रॉन कोरोना वायरस का बहुत ज़्यादा प्रभाव है, बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है अपने आप को कांस्टेंट रखना कि आपको सर्दी से कैसे बचे। आपको नॉर्मल कोल्ड कुराइजा भी हो सकता है, लेकिन अचानक से मानसिक बेचैनी शुरू हो जाती है कि कोई प्रभाव तो नहीं हो गया, कोई ज़्यादा इफेक्ट तो नहीं हो गया, तो ऐसे कंडीशंस में और भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं होम्योपैथिक मेडिसिन आपको यूज़ करने के लिए। तो फ्रेंड्स, जनरली आपको करना ये है कि अगर आपको सर्दी जुकाम या आपके घर में किसी भी बच्चे को सर्दी जुकाम हो गया हो तो आपको तीन मेडिसिन लेके आने हैं। एकोनाइट 30, मैंने एक वीडियो और भी बनाया है शीतलाहट के लिए, तो आप वो भी देख सकते हैं, और दूसरी एकोनाइट 30 के साथ साथ आपको लाना है काली बाइक्रोम 30 आप ले लेंगे। इसके अलावा जो तीसरी मेडिसिन है वो है ईपिका। अक्सर आपने देखा होगा कि जिस भी बच्चे को या जिस भी व्यक्ति को जब ठंड लगती है तो उल्टी होने का संभावना बढ़ जाता है, तो वैसे कंडीशंस में आप अगर उल्टी हो रही है तो आपको तीन मेडिसिन होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से किसी भी कंपनी या SBL कंपनी का आप ले लीजिए, और उसको आप एक निश्चित मात्रा में खाली शीशी में थोड़ा थोड़ा डाल के 10-10 बूंद तीनों दवा मिला करके एक अलग दवा बना के रख लीजिए कम्बिनेशन, और आपको है हो या आपके बच्चे को हो जिसको भी सर्दी जुकाम खांसी और उसके साथ साथ उल्टी होना भी अगर शुरू हो गया है, तो आप इसको आधे आधे घंटे पे दो दो बूंद आधा कप पानी में डाल कर लीजिए, आपको बहुत हद तक आपकी जल्दी राहत मिलेगी, सांस खुलना बंद हो जाएगा, आँख से पानी गिरना बंद हो जाएगा, नाक से पानी गिरना बंद हो जाएगा, विद इन आपको एक दिन में आपको इससे रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। अब हम बात करते हैं इसके साथ साथ बहुत सारे बच्चों को जो गड़गड़ाहट होने लगती है, कफ नहीं निकाल पाते या बलगम निकलता है तो बहुत लार जैसा ऐसा लगता है कि चिपचिपा है और निकल नहीं रहा है, चिपक गया है, तो वैसे कंडीशंस में आपको ईपिका हटा देना है और लेना है एकोनाइट, काली बाइक्रोम, ये दो मेडिसिंस को एक अलग शीशी में बना के रख लीजिए, और उसको आप दो दो घंटे पे दो दो बूंद, बच्चा है बच्चे को दो दो बूंद और अगर बड़ा है तो 5-5 बूंद आधा कप पानी में डालकर रेगुलर आप ले सकते हैं, इससे आपको राहत मिलना शुरू हो जाता है। फ्रेंड्स, ये तो हो गई आपको सर्दी लगने के बाद आप कौन से कम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं, तो आपको अपने सिम्टम्स ज़रूर ध्यान रखना है, अगर आपको उल्टी हो रहा है तो ईपिका का यूज़ करना है, अगर उल्टी नहीं हो रहा है, कफ जकड़ गया है और निकल नहीं रहा है, बलगम लार जैसा निकल रहा है, तो आपको एकोनाइट और काली बाइक्रोम लेना है और उसको धीरे धीरे आपको रेगुलर यूज़ कर लेना है। इसके अलावा अगर हम बात करें कफ बन जाता है और कफ बनने के बाद शरीर पूरे फेफड़े में घड़घड़ाहट की तरह आवाज़ आना शुरू हो जाता है, अगर इस तरह की घड़घड़ाहट की आवाज़ आ रही है तो आपको करना यही है कि दो मेडिसिन अलग लेके होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से ले आना है। पहला मेडिसिन है आपको एंटीम टार्ट 30,
और अगर 3x मिल जाता है तो और बेहतर है। एंटीबायोटिक बेस्ट मेडिसिन है, किसी भी होम्योपैथिक व्यू से भी अगर आप देखेंगे तो ये कफ को निकालने की बहुत ज़्यादा ताकत रखती है। आपको अगर कफ नहीं निकल रहा है, ऐसा लग रहा है कि बलगम निकल जाएगा, तो बहुत ज़्यादा राहत मिल जाएगी। तो ऐसे कंडीशंस में आप एंटीमटार्ट 30 ले लीजिए और काली बाइकोन 30 ले लीजिए, दोनों को एक अलग सीसी में बना लीजिए 10-10 बूंद मिला करके, और उसको दो दो बूंद आधा आधा घंटे से लाप लेते रहेंगे, तो न सिर्फ कफ आपकी निकलने शुरू हो जाएगी बल्कि जो धीरे धीरे कफ के वजह से सांस फूलने की प्रॉब्लम्स होती है वो आपको राहत मिलना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें कि सर्दी जुकाम बुखार के साथ बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर बुखार हो गया, बहुत ज़्यादा आपको सर्दी हो गया और सर्दी के साथ साथ आपको बुखार हो रहा है, बुखार बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, आप एलोपैथिक मेडिसिंस भी ले रहे हैं तो बुखार जल्दी टूट रहा है फिर आ जा रहा है, ऐसे कंडीशंस में आपको दो मेडिसिंस लेनी रहेंगी, बेलाडोना और एकोनाइट। बेलाडोना और एकोनाइट को आप एक अलग सीसी में बना लीजिए और उसको दो दो बूंद 10-10 मिनट 15-15 मिनट पर अगर आप रेगुलर लेते रहते हैं तो आपको हाई टेम्परेचर फीवर से बहुत जल्दी राहत मिलती है और धीरे धीरे आपको बॉडी एक नॉर्मल कंडीशंस में होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि सर्दी जुकाम होने के बाद बहुत सारे लोगों को सर्दी खांसी हो जाती है, अगर बलगम वाली खांसी है तो आपको काली बाइक्रोम और हिपर सल्फर यूज़ करना है, अगर बलगम वाली खांसी नहीं है, ऐसा लग रहा है कि सूखा खांसी है, गला में सरसराहट है और सरसराहट की वजह से बार बार खांसी हो रही है, यानी कि आप कुछ भी बोल रहे हैं तो बोलने से भी खांसी होना शुरू हो जाती है। आज के डेट में खांसी होने का मतलब आपको ससेप्टेबल तुरंत कोरोना की तरफ माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, वो भी एक वायरल है, उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर सिम्टोमेटिकली होम्योपैथिक अगर आप यूज़ कर रहे हैं मेडिसिन तो आपको ओमिक्रॉन हो या कोरोना हो, आपने कोरोना काल में भी देखा है, इसके पहले भी होम्योपैथ ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, तो इस मेडिसिन को भी आप ओमिक्रॉन के अगेंस्ट किसी भी वायरस के लिए, जितने भी नेक्स्ट जनरेशन के वायरस आएंगे उसकी जो भी सिम्टम्स रहेंगी, अगर सिम्टोमेटिकली आप होम्योपैथिक को यूज़ करते हैं तो आपको फेल होने के कोई चांसेस नहीं रह जाते। तो अगर सूखी खांसी हो रही है और बलगम बहुत कम आ रहा है, ऐसे कंडीशंस में आपको दो मेडिसिन लेनी रहती है, एकोनाइट 30 और जस्टिसियम मदर टिंचर। जस्टिसियम मदर टिंचर और एकोनाइट 30 दोनों को एक छोटी सीसी में, एकोनाइट को 5 बूंद डालेंगे और जस्टिसिया को 15-20 बूंद लेंगे और उसको एक आधा कप पानी में डालकर आप उसको दो दो घंटे से अगर लेते हैं तो सूखी खांसी, जो गले में खिचखिचाहट हो, सरसराहट हो, इससे काफ़ी हद तक राहत मिलना शुरू हो जाती है। एक और मेडिसिन आती है, अगर आपको फीवर के साथ साथ ठंड लग गया है, फ्लू हो गया है, सर्दी जुकाम है, तो अगर आप चाह रहे हैं कि वो रेगुलर यूज़ करते रहें जिससे सर्दी नहीं लगे, या अगर लगता भी है तो हमारे शरीर में कम प्रभाव डालता है, तो एक बायो कम्बिनेशन आती है फाइव। आप किसी भी होम्योपैथिक मेडिसिन से जाएंगे, बोलेंगे बायो कम्बिनेशन 5 25 ग्राम की SBL कंपनी की अगर आप ले लीजिए उसको लेके रख लीजिए, अगर आपको आज सर्दी हो गया आप उसको 4-4 टैबलेट दिन में 3-4 बार लीजिए, ज़्यादा दिक्कत है तो आप 2-2 घंटे से लीजिए, धीरे धीरे आपको कोल्ड कोराइजा सर्दी जुकाम से काफ़ी हद तक राहत मिलना शुरू होगा। न सिर्फ आपको, अगर आपके बच्चों को भी खास करके ऐसे कंडीशंस होते हैं तो आप अपने बच्चों को भी होम्योपैथिक मेडिसिन की सहायता से काफ़ी हद तक देखभाल कर सकते हैं, और बहुत हद तक संभव तो कोशिश रहता है कि आपका कंडीशन सीरियस नहीं होता, यानी कि क्रिटिकल कंडीशंस नहीं होता, 1-2 दिन में ही वायरल फीवर नॉर्मल होने लगता है और बहुत हद तक आप बहुत जल्दी रिकवर करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये तो वो मेडिसिन हो गई, क्योंकि ये होम्योपैथ की खासियत है कि सिम्टोमेटिकली ही आपको जाना होगा, तो जो सिम्टम्स आपके साथ फेवर कर रहा है आप वही मेडिसिन, या ये जो मैंने पूरे कॉम्बिनेशन बताए हैं 5 दवा, एकोनाइट, हिपर सल्फर, काली बाइक्रोम, जस्टिसिया, ये आप अपने घर पे ले आके एक एज ए प्रिकॉशन रख लीजिए, कभी भी आप उसको जैसा सिम्टम्स मिलता है, अगर सूखी खांसी हो गई या अभी अभी बुखार हुआ है तो आप बाय कम्बिनेशन यूज़ कर लीजिए और बेलाडोना एकोनाइट को यूज़ कर लीजिए, आपको सर्दी जुकाम खांसी बुखार से काफ़ी हद तक राहत मिलना शुरू हो जाती है। इसके अलावा आपको एक और मेडिसिन आती है, वीजल की फेब्रॉल, आप वीजल के फेब्रॉल को भी यूज़ कर सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा फीवर जैसा लग रहा है आपको तो उसको एक ढक्कन
आधा कप पानी में डालकर दिन में 3 से 4 बार लीजिए। फेब्रोल लेने से क्या होता है कि आपकी फीवर बहुत जल्दी डाउन हो जाएगी, और एकोनाइट और बेलोडाना लेने से घबराहट में काफ़ी हद तक राहत मिलना शुरू हो जाता है। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको इस ठंडी में और इस ओमिक्रॉन कोरोना की लहर में आपको ये होम्योपैथिक मेडिसिन काफ़ी हेल्प करेंगी। अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन या दिक्कत महसूस होती है तो आप व्हाट्सअप वीडियो मैसेज कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपको रिप्लाई करने के लिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।